यह इवन कि मेरे पेरेंट्स ने जितना भी सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे पापा ने हर किसी फील्ड में मुझे कभी भी नहीं रोका है। जब भी मैंने उनको कहा कि मुझे किसी फील्ड में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं साथ आना है, हर फील्ड में मेरे साथ आए, हर जगह पे मेरे साथ आए, हर जगह पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। और मेरे जो गाइड रहे हैं, चाहे मेरी स्कूल की फैकल्टी हो या कोई और पर्सनल कोई गाइड रहा हो, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अपनी स्कूल की पूरी फैकल्टी को, स्पेशली सजाद सर एंड कासिम सर, जिन्होंने ऐसी फैकल्टी इस पैंडेमिक के दौरान भी हमें प्रोवाइड की, जिन्होंने हर लिहाज से हमें नॉलेज प्रोवाइड की, हमें रास्ता दिखाया कि किस तरह एग्जाम्स को पास करना या किस तरह अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। कि लड़कियां, हालांकि देखा जाए हर सोसाइटी में, मैंने देखा ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, टेंथ पास करे कोई तो ठीक, लड़की को तब उसी तक महदूद रखा जाए, टेंथ या ट्वेल्थ। ज़्यादातर मैंने देखा कि ट्वेल्थ तक महदूद रखा जाए, लड़कियों ने पास किया तो ठीक, नहीं किया फिर घर में उनको काम काज में लगा दो, किसी भी काम काज में लगा दो इस लड़की को तो हो जाएगा। पेरेंट्स क्या कहते हैं, हाँ ट्रेंड के हिसाब से उसने, हमारे उस फलानी रिलेटिव के बेटे ने वो ऑप्ट किया है, चलो आप ये भी करो, आप भी यही करो, क्योंकि उसकी हाइप रही है, हमारी भी रहेगी। फिर आगे वो बच्चा मरे उस सब्जेक्ट में, उससे पेरेंट्स को, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं। स्टूडेंट्स को खुद देखना चाहिए कि मैं किस फील्ड में बेटर फील करता हूँ, किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में खुद को मैं क्या अडॉप्ट कर सकता हूँ, वो स्ट्रीम ऑफ करनी चाहिए। और लड़कियों को कि अपने आप को घरेलू काम से घरेलू काम काज भी जरूरी है, उस सब के बावजूद अपने आप को हर फील्ड के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि एक लड़की ही एक माशरे को चला